संघ मध्य औरंगाबाद, इसमें एक शहीदा कॉलोनी जटवार रोड पर आती है, वार्ड क्रमांक 4 में। यहाँ पर बहुत खस्ता हाल है, यहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं है, पानी की पाइपलाइन नहीं है, पायाभूत सुविधा नहीं दी है महापालिका ने। इसका एक शिष्टमंडल आपको अभी मिला है, तो क्या आश्वासन दिए आपने, क्या होगा काम यहाँ का? मैं आश्वासन नहीं देता हूँ, मैं काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ, मैं आमदार से ज्यादा एक लोगों के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता हूँ कि मैं काम करता हूँ। मैंने आए हुए शहरा बंदी के सभी लोगों से कहा है, क्योंकि अभी भी मेरे कम से कम 12 करोड़ के काम चल रहे हैं, उनके लिए भी चल रहे सब, जो भी मंजूर होने जैसे पहले थे वो भी एक साल पहले मंजूर हुए हुआ है। इनका ड्रेनेज लाइन का बहुत बड़ा मसला है, मस्जिद के सामने उनको जाने आने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मैंने कहा है कि उसको ज़रा प्रोसेस लगती है, तो 3.5-4 महीने के पहले उनका मैं वो काम करवा दूंगा। और मंडे के दिन महापालिका के अधिकारी को लेके मैं उनके सहदा कॉलोनी में खुद जाके जहाँ तकलीफ हो रही उसको कैसा वे आउट करते आएगा उसके लिए अधिकारी को मतलब बुलाऊंगा और वो काम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। शिवसेना का इसमें देखा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारी है ना शिवसेना से जुड़ रही है, आपके जो कार्यकर्ता है रप्पानी भाई भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं तो मैं पहले से कहूँगा कि शिवसेना कोई जातिवादी नहीं है, कोई धर्म का सवाल नहीं है, हिंदू मुसलमान दलित क्रिश्चियन सब हम एक हैं। अब अपनी अपनी सोच है, किसी ने किसी के भाषण में कोई बदल जाता, कोई किसी के भाषण में बदल जाता, तो धर्म किसी का बदलता नहीं। हर अपने अपने जगह खुश है, मुस्लिम ये शहर के अंदर खुश है, दलित समाज खुश है, यहाँ पे हिंदू खुश है, क्रिश्चियन खुश है, कोई किसी से किसी का किसी से यही नहीं है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज आ रहा है, आने वाले सभी लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। भविष्य में मैंने 1995 में कोशिश किया था, मैंने 6 हमारे नगर सेवक मुस्लिम भाइयों को टिकट दिया था, लेकिन युवा एक से चुन के नहीं आ सके, फिर भी अच्छे वोट लिए उन्हें मिले थे। ये बारी को हमें अच्छी कोशिश करके मुस्लिम लीडर से भी हम हमारे मुस्लिम भाइयों को वोट देके उनको भी बताएंगे कि हम जातिवादी नहीं है, हम भी सब समाज को साथ में लेके काम करना चाहता है, ये हमारा काम है। और सभी जो भी लोग नदी होंगे, मैंने कभी नहीं कहा, आपने तो कहेंगे हरसूल का पहला रोड मैंने वहाँ मस्जिद के सामने का बना के दिया, ऐसा नहीं है। ये लोग जो लोग की सोच है हमारी सोच नहीं है, हम सोचते जिस दिन हम जिस एरिया से चुन के आ गए वो मतदार संघ हमारा है, वहाँ का हर वोटर मेरा है, हर एरिया में काम होना चाहिए वो मेरा है, वो कौन से समाज का है, कौन से जात का है, ये उस पर नहीं जाते हुए काम करना उसका हर लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य है, उसने हर जगह काम करना चाहिए। इसलिए उनको भी विनती है, मैं तो करता ही हूँ, मेरे को कोई समाज का आदमी नाम नहीं रखता, क्योंकि मैं सब लोगों से मेरे संबंध है, और मेरा इस शहर के अंदर मुस्लिम समाज से कम से कम बहुत बोलो तो 25 साल से 70% से ज़्यादा मुस्लिम समाज से मेरा संबंध है, मेरे पुराने रिलेशन है, संबंध है, मेरे बाप दादा के ज़माने से संबंध है, आज से नहीं है। इसकी वजह से मैं उनको आश्वासन नहीं देता हूँ, मैंने इनको जो कहा है वो ज़रूर करके इनको दूंगा, और सोमवार के दिन मैं वहाँ पर जाके अधिकारी को ले जाके जो काबड़ तो हल करते आएगा वो मसला उतना हल करने की मैं उनको कोशिश करते हैं। में जो बोर के अंदर ड्रेनेज का पानी जा रहा है वो मैं पूरी जल्द से जल्द ड्रेनेज लाइन डालने का काम करूँगा, इतना उन्होंने बोले। और सब समाज के लोग साथ है, हरने साहब साथ है हमारे, रब्बानी भैया है, वाघमारे साहब, ये इनको मालूम है और ये सर्वे करे हुए ये लोगों ने, और वहाँ पे जो परेशानी है आज यहाँ पे आने की हमारे को जरूरत यह पड़ी कि कोई सुन रहा नहीं वहाँ पे, इसके लिए यहाँ आना पड़ा और साहब ने 2-2.5 महीने में काम पूरा करने की कोशिश करी। इससे पहले आप कौन कौन से नेता के पास गए? अभी देखो साहब, हमने जो है पालक मंत्री के पास दिए साहब, खासदार साहब के पास दिए, और महापौर साहब के पास दिए, 1 साल से काम चालू है। और साहब अभी तो ऐसा है कि मतलब मस्जिद के पानी के अंदर भी जो है तो ड्रेनेज के पानी की बात आ रही है, तो लोग परेशान हैं वहाँ पे, और काम के लिए जो है तो सब पार्टियों के पास जा रहे हैं लेकिन काम तो कोई कर रहे नहीं। आप देखो 2.5 महीने का टाइम दिए साहब ने, होगा तो अच्छा हो जाएगा। सर प्रदीप जायसवाल से मिलने के लिए आपका शिष्टमंडल आया है शहीदा कॉलोनी जटवार रोड का, तो आपको क्या आश्वासन मिला? आपकी वहाँ पर बहुत सारी लोकप्रियता है, आपका काम भी अच्छा है वार्ड में, तो क्या कहेंगे आप शिवसेना से है? साहब अब ये सब तुम्हारे सामने का हाल है, अपने शहर के आमदार प्रदीप जी जायसवाल साहब, लाड के आमदार, इन्होंने आपके सब शिष्टमंडल के सामने आप अपनों को आश्वासन देवा है, और साहब ऐसे है कि जो वो जो बोलते जो होता है तो करते हो, ऐसा फुकट का आश्वासन देते नहीं। अभी उन्होंने अपने तुम्हारे सामने आश्वासन दिए कि भाई मैं सोमवार के दिन आता हूँ, और सोमवार के दिन आता हूँ बोले, और तुम्हारा जो भी समस्या है वो एकदम तो
आजकल में होने वाली नहीं है, उसको 3-4 महीने लगेंगे आपके सामने बोले हुआ है। और ये मैंने सापू 3 दिन पहले भी मैं आके मिला, सापू निवेदन दिया, शहीदा कॉलोनी का जो विषय नहीं है वो सब जटवाड़ा रोड से अपना ये जो भाग है ये भाग में ड्रेनेज लाइन नहीं थे, एक अपने को मेन ड्रेनेज लाइन डालना है और वो आपके सबके सामने साहब ने आश्वासन दिया है। अब तुम सब 200 लोग आते वहाँ पे, कोई नीचे खड़े थे भाई साहब, साहब हर कुछ ऊपर आए थे, सबके सामने साहब ने आश्वासन दिए और साहब जब आश्वासन देते तो वो पूरा ही करते। तो सिर्फ ड्रेनेज का मसला है क्या, कोई हार्ड है वहाँ? ड्रेनेज का मसला है, पानी का मसला, सांड पानी का मसला है, धरन जो अपना धरन भर जाता है अभी वो सांड पानी का मसला है, वो भी साहब को निवेदन में अपन ने देवा है साहब, उसके ऊपर भी कल अधिकारी लोग लेके साहब उसके ऊपर भी एक्शन लेके वो भी उसका नियोजन करने वाले। पीने के पानी का भी है वहाँ पर और रास्तों का भी है? नहीं, पहले तो सांड पानी का साहब ने अपने को सांड पानी और ड्रेनेज का आश्वासन दिए हुए रोड का दिए, पीने का पानी का साहब ने आश्वासन दिए नहीं। पीने का पानी का अपने महाराष्ट्र राज्य के लाड़ के मुख्यमंत्री इन्होंने ऑलरेडी अपने शहर के लिए 1680 फुट की योजना मंजूर की हुई है और वो टाकी का काम भी शहीदा कॉलोनी के पास में जो फिल्टर है वहाँ पे एक बड़े टाकी का काम भी चालू है और पाइपलाइन भी वहाँ से तो पौरास के तक पाइपलाइन भी वो टाकी को जो पानी जाने वाला है वो पाइपलाइन का काम भी चालू है और गली गली वार्ड वार्ड कॉलोनी कॉलोनी में सब वो एजेंसी के लोग मोज माप करके पाइपलाइन का मोज माप करके जाए हुए साहब ने पानी का आश्वासन दिए नहीं, वो भी अपना होने वाला है।